हेलो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज के क्विक करंट अफेयर चैनल के इस सेशन में। दोस्तों, आज हम अपने सेशन में टॉप करंट अफेयर कवर करेंगे, साथ ही में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, एससीओ नेशन देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों इसी नोट पे हमारा आज का प्रेजेंटेशन। सबसे पहले देख लेते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ। 2001 में इसका फॉर्मेशन हुआ था शंघाई पैक्ट के तहत। ये एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस है। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में है। मेंबर इसके चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान है। 8 मेंबर स्टेट हैं, 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, अफगानिस्तान, ईरान, बेलरूस, मंगोलिया, 6 डायलॉग पार्टनर, 4 गेस्ट अटेंडीज। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसकी चाइनीज और रशिया है। और इसके जो करंट जनरल सेक्रेटरी हैं वो है व्लादिमीर नोरवो, जो कि उज्बेकिस्तान के हैं। चलिए अब देखते हैं दोस्तों आज की हमारी कंट्री जो है वो है बेलारूस। कैपिटल दोस्तों इसकी मिंस्क है, रूबेल यहाँ की करेंसी है। और अलेक्जेंडर लुकशेंको जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है। और जो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है बेलारूसियन और रशियन, दो लैंग्वेज है यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज। दोस्तों अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आंसर क्वेश्चन दोनों साथ में लगे हुए हैं। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आंसर भी देख लेते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का जो टर्म होता है वो कितने इयर्स का होता है? तो दोस्तों वो 6 साल का होता है और 65 ईयर्स ऑफ एज तक का होता है। आप दोस्तों बताइएगा कमेंट करके। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इंडिया के करंट चीफ इलेक्शनल कमिश्नर कौन है? बिना गूगल करे आप जरूर कमेंट करिएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अभी कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीईओ ट्विटर के कौन है? तो वो है जैक डॉर्सी। अभी दोस्तों एम्पावरमेंट ग्रुप बनाए गए हैं, तो एम्पावरमेंट 11 ग्रुप है, एम्पावरमेंट ग्रुप करके। तो जो एम्पावर ग्रुप 1 और नेशनल टास्क फोर्स ऑन कोविड-19 के चेयरमैन कौन है? तो वो है डॉक्टर वी के पॉल। आगे चलते हैं दोस्तों, अब टॉप करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, जो मिनिस्ट्री है हमारी, तो उनने जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं रिलेटेड टू लेबर वेलफेयर, उसके लिए उन्होंने एक ट्विटर हैंडल, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, उसने एक ट्विटर हैंडल ओपन करा है, @LaborDG फॉर लेबर ब्यूरो। तो @LaborDG जो है इनका ट्विटर हैंडल है। और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है संतोष कुमार जी, इसने इसका इनॉग्रेशन करा है। इसमें आपको सारे लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स अबाउट लेबर वेलफेयर यहां से मिल जाएंगे। आगे देखते हैं, अभी वित्त मंत्री ने अनाउंस करा है दोस्तों, जो हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं, उनने कि इंस्टेंट आपको ई पैन कार्ड मिलने की फैसिलिटी। इसके लिए दोस्तों आपके पास सिर्फ आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड में आपका नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसकी हेल्प से आपको इंस्टेंटेनियसली पेपरलेस और इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड, ई पैन कार्ड जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इश्यू हो जाएगा रियल टाइम बेसिस पे। नेक्स्ट न्यूज है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडियन गवर्नमेंट से साथ एक पैक्ट साइन करा है, एक डील एग्रीमेंट साइन करा है $177 मिलियन का। इससे 250 किलोमीटर के जो स्टेट हाईवे हैं और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है महाराष्ट्र में, उनको डेवलप किया जाएगा। अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो 19 दिसंबर 1966 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। 31 नेशन ने इसको फॉर्म करा था। हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस है। इसके जो करंट 68 कंट्रीज इसके करंट मेंबर्स हैं। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है मसाटा सुगु असकावा जो है, ये जापान के हैं, वो इसके करंट प्रेसिडेंट हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अभी जो हमारी यूनिवर्सिटी थी, इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, उसको सीपेट बोलते थे, उसको ब्रिनियम कर दिया गया है। अब वो कहलाएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड
टेक्नोलॉजी, ये नेशनल इंस्टीट्यूट है और ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर आता है। तो प्लास्टिक को बदल के जो है इसको पेट्रोकेमिकल कर दिया है। आगे चलते हैं। चाइना ने दोस्तों अभी अपना 27 डे का जो एक्सपेडिशन है हिमालय पे वो कंप्लीट करा है, और इसमें उन्होंने बताया दोस्तों कि चाइना जो हिमालय से माउंट एवरेस्ट जो है उसकी जो हाइट है वो 4 मीटर उन्होंने कम नापी है। बताया है कि 4 मीटर उनकी हाइट घट गई है, 8.848 मीटर नापी गई थी इसको पहले, अब इसको 88.443 मीटर जो है नापा गया है चाइना के द्वारा, जो चाइना की टीम अभी गई थी। आगे चलते हैं। जो तेलंगाना के सीएम है उन्होंने जो है तेलंगाना का जो एस्टेब्लिशमेंट डे है उसको शांति से मनाने की अपील करी है। तेलंगाना का जो फॉर्मेशन डे है वो आता है 2 जून 2014 को। इसी दिन दोस्तों आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, और यहाँ की कैपिटल देख ले तो हैदराबाद है, और जो यहाँ के गवर्नर है वो है तमिलासाई साउंड राजनन, और यहाँ के जो सीएम है वो है चंद्रशेखर राव। आगे चलते हैं। उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक जी, उन्होंने कहा है कि 30 तारीख को जितने भी लोग हैं उड़ीसा के वो बंदे उत्कल जननी करके एक उड़िया लैंग्वेज में पैट्रियोटिक सॉन्ग है उसको आके सब मिलके गाएं, जिससे कि और इसके थ्रू वो जो है कोरोना वॉरियर्स को सल्यूट करना चाहते हैं। तो बंदे उत्कल जननी ये पैट्रियोटिक उड़िया सॉन्ग है जो कि उन्होंने गाने की अपील करी है स्टेट के लोगों से। सीएम नवीन पटनायक उड़ीसा के, गवर्नर है गणेशी लाल और कैपिटल है भुवनेश्वर। आगे देखते हैं। एमपी गवर्नमेंट ने जो ये लोकस्ट स्वार्म अटैक हुआ है उसको नेचुरल डिजास्टर घोषित करने के लिए एक प्रपोजल रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको अगर नेचुरल डिजास्टर घोषित कर देंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों इससे होता यह है कि इससे जब भी कोई चीज नेचुरल डिजास्टर के तौर पे घोषित हो जाती है तो उसमें जो है फार्मर्स को कंपनसेशन मिल जाता है। अगर उनकी फार्म जो है उनकी पैदावार है इससे डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वो कंपनसेशन के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर लोकस्ट फॉर्म अटैक से अगर उनको नुकसान होता है तो उन्हें इस बात का कंपनसेशन मिल जाएगा। आगे चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बैंगलोर में, उसने टेल स्प्रिंट एक कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप करी है। ये मल्टीपल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स लॉन्च करेगी फॉर इमर्जिंग एंड डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज के लिए। इसके तहत दोस्तों इन्होंने एक मल्टी ईयर पार्टनरशिप करी है, काफी सालों की उन्होंने पार्टनरशिप करी है, और एक एडवांस्ड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन डिजिटल एंड डिजिटल हेल्थ एंड इमेजिंग में ये लॉन्च होने वाला है। इसी के तहत, इस पार्टनरशिप के तहत, आईएससी और टैलेंट स्प्रिंट की पार्टनरशिप के तहत जुलाई 2020 में डिजिटल हेल्थ और इमेजिंग में ये प्रोग्राम होने वाला है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। आगे देखते हैं। पीसीबी ने दोस्तों शकीन मुश्ताक को हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट बनाया है। शकीन मुश्ताक दोस्तों ऑफ स्पिनर रहे हैं पाकिस्तान के, बहुत सक्सेसफुल ऑफ स्पिनर रहे हैं, उनको जो है हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट बनाया गया है। आगे देखते हैं। एसडीएस है दोस्तों एक ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, उसको दोस्तों बनाया गया है, असेसमेंट बॉडी बनाया गया है दोस्तों उसको क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया के द्वारा वर्क प्लेस असेसमेंट ऑफ सेफ्टी एंड हाइजीन। ये एक वॉश स्कीम है, मतलब वर्क प्लेस असेसमेंट और सेफ्टी हाइजीन के लिए जो है इसको असेसमेंट बॉडी बनाया गया है एसजीएस को। बेसिकली दोस्तों एसजीएस जो है ये वर्क प्लेस में सेफ्टी और हाइजीन का ध्यान रख के लिए जो है चीजों को मॉनिटर करा करेगी। तो ये वॉश स्कीम है वर्क असेसमेंट एंड सेफ्टी हाइजीन की, जिसको जो है अब मॉनिटर करने का काम जो एसजीएस करेगी। एसजीएस दोस्तों यानी सोसाइटी जर्नल सर्वेलेंस है कंपनी है, ये स्विट्जरलैंड जिनेवा की है और 1878 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, तो ये काफी ओल्ड कंपनी है ये। आगे देखते हैं दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 21 तारीख आप जानते हैं दोस्तों नेशनल एडिटरिज्म डे था, 22 तारीख को नेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी था, 24 को दोस्तों कॉमनवेल्थ डे था,
और 31 तारीख को दोस्तों एंटी टोबेको डे आने वाला है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने एससीओ नेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने क्वेश्चन के आंसर भी बता दिए थे, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट डेट्स देखी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको चैनल पसंद है, ये प्रेजेंटेशन पसंद आया है, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और आप देखते रहिए दोस्तों क्विक करंट अफेयर चैनल, जहाँ पे आपको हर करंट अफेयर क्विकली मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून टुमारो।